एक बेटे का अपनी माँ को प्यार भरा उपहार। अरे मैडम, आप पैसे की चिंता क्यों करती हैं? आपके पास तो दो दो एटीएम हैं। दुकानदार 15,000 से कम कीमत की साड़ी दिखा ही नहीं रहा था। वो जान चुका था कि आज मोटा ग्राहक फंसा है। महिला के साथ उसके पति और कमाऊ बेटा आए हैं, जो उसे मनपसंद साड़ी दिलाना चाहते हैं। इधर रीत सोचती, इतनी महंगी साड़ी एक उत्सव में पहनो, फिर अलमारी में ही रहेगी, तो क्यों ना थोड़ी सस्ती ही साड़ी खरीदी जाए। खैर, रीत ने पसंद ना आने का बहाना बना उस दिन साड़ी खरीदी ही नहीं। घर आने पर आशु ने रीत पर खींचते हुए कहा, क्या मम्मी, अब तो आप अच्छी अच्छी महंगी साड़ियाँ पहना करें। अब तो आपका बेटा भी नौकरी करने लगा है। पहले की बात कुछ और थी, पापा अकेले कमाने वाले, ऊपर से हम लोगों की पढ़ाई लिखाई। पुरानी बातें सोचते सोचते आंसू कब अतीत की स्मृतियों में खो गया, उसे पता ही नहीं चला। सब आंटियों के साथ मम्मी भी शॉपिंग करने जाती थी। कोई साड़ी पसंद आने पर बार बार छू कर देखती थी, पर कीमत पूछने पर महंगी होने के कारण धीरे से अलग सरका देती थी। फिर बोलती थी, पसंद नहीं आया, और सस्ती साड़ी ले आती। फिर बोलती, मुझे तो यही पसंद है। आंसू छोटा होने के कारण समझ नहीं पाता। वो सोचता, शायद मम्मी की पसंद ही ऐसी है। घर लाकर पापा को दिखाती। पापा बोलते भी, दूसरी वाली क्यों नहीं ली, ये तो कोई खास नहीं है। मम्मी का जवाब होता, मुझे ऐसी ही चाहिए थी। मम्मी का हमेशा समझौताजनक उत्तर होता और उन्हें कभी इसकी शिकायत भी नहीं रहती। हाँ तो मम्मी, आप शाम को तैयार रहिएगा, आपके लिए वो फेमस वाली महंगी दुकान में साड़ी लेने चलेंगे। और पिछली बार की तरह कोई बहाना मत बनाइएगा, इस बार जो पसंद आएगा बेहिचक खरीद लीजिएगा। ऐसा बोलकर आशु दफ्तर चला गया। शाम को बाजार जाने की तैयारी थी। रीत दिन भर इसी उधेड़बुन में लगी रही। ये बच्चे भी ना समझते क्यों नहीं, फिजूल खर्ची आवश्यक है क्या? अब इस उम्र में मैं इतनी महंगी साड़ी? अरे, पैसे बचत करना सीखना चाहिए। तभी उसे एक युक्ति सूझी। उसने उस फेमस दुकान में जाकर दुकानदार से पहले ही बोल दिया, भैया, मैं शाम को अपने बेटे के साथ साड़ी खरीदने आऊँगी, तो आप हर साड़ी की कीमत 500,000 रुपये ज़्यादा ही बताइएगा, फिर मैं बाद में आपसे ले लूँगी। रीत की मनसा समझ पहचान के दुकानदार ने हाँ में सिर हिला दिया। दफ्तर से लौटते समय आंसू सोच रहा था, ये मम्मी भी ना ज़्यादा दाम देखकर साड़ी खरीदती ही नहीं है। उनके दिमाग से गरीबी, कंजूसी, समझौता टाइप का कीड़ा निकल नहीं पाया है। मैं एक काम करता हूँ, दुकानदार से पहले से ही कुछ बातें कर लेता हूँ। दुकान पहुँचते ही आशु ने दुकानदार से कहा, अंकल, शाम को मम्मी आएंगी साड़ी खरीदने, आप सभी साड़ियों की कीमत 500,000 कम करके बताइएगा, बाद में मैं आपको दे दूँगा। वो असल में मम्मी मुझसे ज़्यादा पैसे खर्च नहीं कराना चाहती हैं, इसलिए वो महंगी साड़ी खरीदती ही नहीं है। दुकानदार आशु की बातें और मन स्थिति जानकर सुखद आश्चर्य से दंग रह गया। इस जमाने में भी ऐसे बच्चे हैं जो अपने माँ बाप को जताए और बताए बिना इतनी परवाह करते हैं, वरना कुछ बच्चे तो एक करेंगे और 10 बताएंगे। हाँ बेटा, ज़रूर, बस इतना ही तो बोल पाया था दुकानदार आंसू से। अब वो कैसे बताता कि प्यार और ममता भरी चालाकियों और भावनाओं में अभी भी माँ की बराबरी कोई नहीं कर सकता। शाम को रीत पति व आशु के साथ इम्तिनान से साड़ी खरीदने आई। चिंता मुक्त थी, पहले से जो दुकानदार के साथ सब कुछ सेट कर रखा था, और इधर आंसू भी आश्वस्त था। एक से बढ़कर एक साड़ियाँ दिखाई गईं व देखी गईं।
एक रानी कलर की साड़ी जो आशु को बेहद पसंद थी, पर वो बहुत ज़्यादा कीमती थी। आशु ने अपनी पसंद बता दी थी। एक बार फिर रीत के दिमाग की नसें दौड़ने लगीं। आखिर कितना? 500,000 ही तो ज़्यादा बताया होगा। नहीं नहीं, इतनी महंगी नहीं। फिर एक फिरोजी रंग की साड़ी, वो भी कुछ कम महंगी नहीं थी। फिर भी रीत ने उसे लेने के लिए हाँ कर दिया। आंसू जैसे ही पैसे देने के लिए पर्स निकाला, दुकानदार ने मना करते हुए कहा, नहीं बेटा, ये साड़ी बहुत कीमती है, इसका मोल कोई नहीं चुका सकता। ऐसी प्यारी भावनाएं, एहसास से जुड़ी ये साड़ी अनमोल है, इसका मोल रुपयों में नहीं हो सकता। जब बच्चे पढ़ते लिखते हैं तो हर घर में ऐसी परिस्थितियां आती हैं, पर आज जो आप अपने माता पिता के लिए कर रहे हैं, ऐसे अवसर बहुत कम घरों में आते हैं। पर अंकल, यह पैसे तो रखिए, मैंने बहुत साड़ियों का धंधा किया है, पर पहली बार किसी ग्राहक से मुनाफा कमाने का मन नहीं हो रहा है। ये साड़ी माँ बेटे के प्यार त्याग का साक्ष्य है। इसकी कीमत लगाकर व इसकी कीमत लेकर इसका अपमान नहीं कर सकता मैं। मेरी तरफ से माँ बेटे के प्यार परवाह के रिश्ते को ये प्यार भरा उपहार है। इतना कहकर दुकानदार सोचने लगा, मैंने तो सिर्फ एक साड़ी ही दी है, पर आज इन्होंने तो मुझे ज़िंदगी में रिश्तों की यथार्थता का महत्व व निभाने की बहुत बड़ी कला सिखा दी है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद आप सभी।